तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ मोशन। डेफिनेटली जब आप मोशन बोलते हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो इट इज गवर्न्ड बाय सम लॉज। देर आर सम लॉज ऑफ फिजिक्स जो इस मोशन को कंट्रोल करते हैं, राइट? तो उसका स्टडी होगा लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब देर इज सम सोर्स ऑफ मोशन, राइट? तो समझेगा आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बाय द वे, जस्ट टू स्टार्ट विथ, आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा हम लोग बोल देंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट? और जब भी मोशन का स्टडी होगा दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, राइट? नाउ मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस है। मैकेनिक्स इटसेल्फ हैज टू ब्रांचेस, एक है स्टैटिक। आई मीन इट इज जस्ट द थिंग इज कि इसमें मोशन हो ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। ओके, सो व्हेन द मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देयर इज नो मोशन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक्स। सो इन स्टैटिक्स वी डील विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, जैसे आप अभी रेस्ट पे हो, मैं अभी रेस्ट पे हूँ, सो दैट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, राइट? डेफिनेटली आपको इस स्टेज पे ऐसा लगेगा फिर हम स्टडी क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है तो स्टैटिक्स में हम लोग स्टडी क्या करेंगे। देर आर अलॉट ऑफ थिंग्स दैट यू स्टडी इन स्टैटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो मासेस है विच आर नॉट मूविंग एट ऑल, ओके, बट दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास दो चार्जेस है, या एक चार्ज भी बोल सकते हो, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चार्जेस, चार्जेस का लैटिन वर्ड है इलेक्ट्रो, इट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बेसिकली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? सो व्हेन यू हैव पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेटर, मे बी लेटर इन दिस कोर्स। दूसरा है व्हेन देर इज मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स आर मूविंग, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स, नॉट काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के फर्दर दो डिवीजन होते हैं, उसमें से एक हम देख चुके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दिस थिंग्स वी स्टडी, राइट? सो वी बेसिकली स्टडी पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम काइनेमैटिक्स में कभी भी सोर्स ऑफ मोशन, मतलब कॉज, मोशन में ऑब्जेक्ट इज मूविंग, पर ऑब्जेक्ट क्यों मूव हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स की बात ही नहीं करते। सो इन काइनेमैटिक्स वी जस्ट डिस्क्राइब मोशन विदाउट डिस्कसिंग देयर कॉज। मूव क्यों हुआ हमने बात नहीं की, वी नेवर सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिकॉज देर इज अ फोर्स, वो जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था, राइट? देन देर इज अनदर ब्रांच विच इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आप मोशन उसके कॉज के साथ पढ़ोगे, सो यू विल बी कंसिडरिंग वेरियस फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। फोर्स मैं तब बोलूंगा जब लीनियर मोशन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अगर सर्कुलर या रोटेशनल मोशन है तो उसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस जो क्वांटिटी करता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क डज द सेम थिंग एज दैट ऑफ फोर्स, बट दैट इज रोटेशनल, दैट इज इन रोटेशनल मोशन।
right? But why I am telling you this thing in very detail, because you know कहीं जगह पे कई स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग खत्म होने तक या फिर बैचलर्स खत्म होने तक मास्टर्स तक आने तक उनको ये पता ही नहीं होता कि काइनेमेटिक्स मतलब क्या और डायनामिक्स मतलब क्या। स्टैटिक्स तो इजी है, नाम में ही है स्टैटिक, बट मैकेनिक्स मतलब क्या पता नहीं होता, राइट? गुड, सो वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू आई विल जस्ट समराइज एंड वी विल राइट डाउन वॉट इज इम्पॉर्टेंट। तो basically whenever an object is moving, whenever there is an object in motion, the branch of physics which studies the motion is called as mechanics. Mechanics is classified into two branches, statics. Statics means here the objects are at rest. Other branch is kinetics. In kinetics mein two further branches hai. So kinetics basically is the branch of mechanics which deals with moving objects or objects in motion. It is further classified into two types, kinematics, where you just study motion and you talk about velocity, acceleration, etc. But hum log yahan pe motion ke cause ki baat hi nahi karte. We don't talk about forces. Dynamics mein hum log motion ka study karte hain along with कॉज ऑफ मोशन, तो उसमें फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, ये सारे पैरामीटर का स्टडी करेंगे हम लोग डायनामिक्स में, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट अ मिनट। Introduction. Okay, so if an object continuously changes its position, it is said to be in motion. We have already known this thing. So if an object continuously changes its position, with respect to a reference frame, ये important है। So when I say an object is changing its position, तो हमने पहले frame of reference, मतलब हमने पहले ओरिजिन सेट किया है और विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन। ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन, इट इज सेट टू बी इन मोशन, इट इज सेट टू बी इन मोशन। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स branch of physics which deals with moving objects is called as mechanics. Mechanics is further categorized into two different categories, right? So mechanics, you can say that there are two branches of mechanics. First, that is statics. So in statics we deal with the objects which are at rest. We deal with objects at rest.
सुनने में बहुत आसान लगता है कि स्टैटिक्स है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो फिजिक्स क्या होगा? बहुत ज्यादा फिजिक्स होता है। यू विल रियलाइज इन लेटर स्टेजेस कि इट इज एक्चुअली वेरी गुड, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो वी डील हियर विथ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, और ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने दोनों डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं दिस ऑब्जेक्ट्स आर अंडर इक्विलिब्रियम। अंडर इक्विलिब्रियम मतलब द फोर्सेस आर बैलेंस्ड बेसिकली, राइट? सो स्टैटिक्स डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। इवन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच या चेयर, आप चेयर पे एक फोर्स लगा रहे हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स बेंच आप पे लगा रहा है, विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, राइट? तो ये दो फोर्सेस बैलेंस हो गए, दैट्स व्हाई यू आर स्टैटिक, यू आर नॉट मूविंग। सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में वी डील विथ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, वी डील विथ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। As I told you, kinetics can be further classified into two categories. It can be further divided into two branches: kinetics can be further divided into two branches. उसमें से जो पहला है दैट इज काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स में वी डील विद ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो मोशन क्यों हुआ वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बस मोशन है और उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हम लोग स्टडी करते हैं। सो we describe and we just don't talk about linear motion here. So we describe various motion, like even circular motion, we describe various motions without discussing or without considering its cause. राइट? और यहाँ पे एज आई टोल्ड यू वेरियस पैरामीटर्स अंडर डिस्कशन आर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेरियस पैरामीटर्स अंडर डिस्कशन। वेरियस पैरामीटर्स दैट वी डिस्कस हियर आर अंडर डिस्कशन are distance, displacement, velocity, etc. तो हमने जो लास्ट चैप्टर देखा है दैट इज पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन भी आएगा। ओके, सेकेंड इज डायनामिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इन डायनामिक्स वी विल स्टडी मोशन अलॉन्ग विथ
its causes. So in dynamics, we describe the motion. We describe the motion along with its cause. So we will also see what is the cause of motion. And in this case, various parameters under discussion will be various parameters under discussion are force. जब भी object straight line में move होगा तो force, torque. If there is rotational motion, then torque. Then there will be momentum, and so on, etc. Right? Why I am going in very minute detail? क्योंकि आप आगे जाके जब कोई भी एक टॉपिक पढ़ोगे, especially those who will go for engineering, you will then realize कि ये basics में जाना जरूरी क्यों था, right? तो जैसे जैसे when you study two charges at rest, the force between two charges at rest or single charge at rest producing a field in its surrounding, कोई भी एक charge के nearby region में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब वहां पर दूसरा चार्ज आएगा तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्यों? क्योंकि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो रेस्ट पे था, दूसरा चार्ज आया डोंट केयर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. फिर हम लोग बोलते हैं कि दो चार्जेस हैं हमारे पास विच आर एट रेस्ट. What is the force between two charges at rest? ये important है. Force between two charges at rest मैंने आपको already बताया, given by Coulomb's law. F is equal to some constant k q1 into q2 divided by r square divided by distance square. हम लोग distance तभी define कर सकते हैं जब दो charges rest पे हैं. इसलिए ये हो गया part of electrostatics. अगर दो चार्ज मूव हो रहे होते तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स. ओके, राइट? सो डायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद रखना. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गो इन डिटेल्स. राइट, नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन रियल लाइफ में मोशन अलग अलग टाइप का होता है. राइट, जैसे हमने लीनियर मोशन देखा, जैसे हमने सर्कुलर मोशन भी देखा, जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखा. राइट, सो वी व्हाट वी नो एट दिस स्टेज कि ऐसे अलग अलग टाइप के मोशंस हो सकते हैं और होते हैं. बट व्हाट वी हैव नॉट थॉट ऑफ कि इन तीनों टाइप के मोशन में, लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में और प्रोजेक्टाइल मोशन में, व्हाट वेयर द डायरेक्शंस of velocity and acceleration, right? So किसी भी motion का trajectory, मतलब वो object straight line में move होगा या circular motion perform करेगा या projectile motion perform करेगा, वो जो trajectory होता है, जो path वो cover करता है object, it depends on the direction of velocity and acceleration. So it becomes important for us to talk about this motion in terms of direction of velocity and acceleration, right? So because we are talking about dynamics here, so motion to hai. So motion in real life can be linear, it can be circular or rotational. सर्कुलर मतलब रोटेशनल मोशन होता है इन शॉर्ट. और इट कैन बी ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी मोशन मतलब ए से बी पे गया ऑब्जेक्ट, वापस बी से ए पे आया, तो द पार्टिकल इज जस्ट मूविंग बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. जैसे एग्जांपल सेविंग मशीन का नीडल देखोगे अगर, तो वैसे ही करता है वो, चलता रहता है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे.
So it can be oscillatory, etc. So we can also have projectile motion. Okay. So while describing any of this, because we are studying dynamics, हमको पता होना चाहिए कि what are the forces which are responsible for such motions, right? So while considering such motions, while considering such motions, we must know, because here onwards we need to know, we must know the forces or the corresponding forces responsible for such motions. Corresponding forces responsible for such motion. और जब हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात होती है ट्रैजेक्टरी की. क्यों ट्रैजेक्टरी की? क्योंकि व्हाट इज डिफरेंट इन ऑल दिस टाइप ऑफ मोशन? ट्रैजेक्टरी तो डिफरेंट है. लीनियर मोशन में एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल इट इज जस्ट मूविंग अराउंड इन अ सर्कल, राइट? तो लीनियर मोशन में क्या हुआ, द पार्टिकल हैज वेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और वहां पे जाके रुक गया. सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ है, सो द ऑब्जेक्ट विल गो अप अप रीच अ मैक्सिमम हाइट एंड कम डाउन अगेन, राइट? ऑसिलेटरी मोशन में ए से बी पे गया, वापस से बी से ए पे आया, सो इट इज जस्ट बोथ कमिंग एंड गोइंग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन, वी नीड टू नो व्हाट इज अ ट्रैजेक्टरी. और ट्रैजेक्टरी डिपेंड करता है डायरेक्शंस of velocity and acceleration pe, right? So that's why it is important to know. Aur aapko abhi kuch next few minutes mein samjhega what I am actually trying to say here. So trajectory of any motion basically is decided by acceleration and initial velocity. So initial velocity initial velocity u bar and acceleration a bar decides the trajectory of a moving object. To be specific, I should be saying direction of initial velocity and acceleration. क्योंकि initial velocity और acceleration की direction ही decide करते हैं what type of trajectory an object will follow. First type of motion, linear motion. बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है ये, हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट. सिर्फ इतना पता होना चाहिए इसमें दो केसेस होंगे. एक तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है, मतलब ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ऐसे केसेस में आप एक्सेलरेशन दोगे अगर तो इन एनी डायरेक्शन. तो इस केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे है, मैं इसको एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में दूंगा अगर तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, राइट? तो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन विल रिजल्ट इनटू लीनियर मोशन. इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो देन एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन विल रिजल्ट इन लीनियर मोशन. बट ऐसा भी हो सकता है ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे नहीं था, इट इज ऑलरेडी मूविंग, ये ऑलरेडी मूव हो रहा है, राइट? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेट अस से
It is moving along a straight line. When initial velocity is not zero, तो अगर लीनियर मोशन परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट ने तो एक्सेलरेशन के दो पॉसिबल डायरेक्शन है, एक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? सो इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो देन द एक्सेलरेशन हैज टू बी इन लाइन. इन लाइन मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल. ओके, so in that case it has to be in line with the initial velocity, tab jaake wo linear motion hi rahega, otherwise it may change its direction. Okay, so what we can say here is initial velocity may be zero or non zero, initial velocity of an object may be zero or non-zero. If it is zero, मैंने already बताया आपको, if initial velocity is zero, if initial velocity is zero, उस केस में क्या होगा? यू ऑलरेडी नो दैट मीन्स पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देन एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन विल रिजल्ट इन लीनियर मोशन. एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन will result in linear motion. If initial velocity is not zero, if initial velocity is non-zero, then acceleration must be in line with initial velocity, then acceleration must be in line with initial velocity. When I say in line, matlab parallel or anti-parallel to initial velocity. Second type of motion that we have studied so far is circular motion. Motion in a plane में हमने ये देखा था और मैंने आपको बताया था और ये याद होना भी चाहिए क्या कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था विच इज मूविंग अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. इस केस में मैंने बताया था आपको द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलॉन्ग टेंजेंट and acceleration is perpendicular to it and towards the center of circle. So circular motion में ऐसा है कि initial velocity is not zero, लेकिन non zero होना ही चाहिए. अगर zero है तो object will not move definitely, right? तो अगर velocity initial velocity zero है तो object will just be at rest. Why will it move along circle? Okay, right? So इस केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है जो होना भी चाहिए था तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा, तब जाके जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा, राइट? ओके, सो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो एंड एक्सेलरेशन and acceleration is perpendicular to the velocity,
perpendicular to the velocity. Then the resultant motion is circular motion. This circular motion. By the way, just a word of cushion. यहाँ पे जो मैंने बोला है वो स्ट्रिक्टली मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट यू विल स्टडी इन नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ोगे. उस केस में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टूवर्ड्स वेलोसिटी होता है, मतलब एक अलोंग द टेंजेंट होता है, एक अलोंग सेंटर होता है, टूवर्ड सेंटर होता है. तो उस केस में नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज नॉट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, तो यहाँ पे जब मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड. सो दैट इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेम्बर दिस. नेक्स्ट टाइप पैराबोलिक मोशन. आई कुड हैव सेड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑल्सो. हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, अगर याद होगा तो अच्छे से क्या प्रूव किया है. इफ यू रिमेम्बर वॉट वी हैव प्रूव्ड, दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक मोशन. कैसे? मैंने बताया था वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो वो पैराबोलिक मोशन होता है, हमने ये लास्ट चैप्टर में प्रूव किया है. तो इस केस में ऐसा है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? याद करो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को हमने जब प्रोजेक्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी जो था इट वॉज इन दिस डायरेक्शन. गुड, तो थोड़ा भी आगे ऑब्जेक्ट गया तो वेलोसिटी इज स्टिल अलोंग द टेंजेंट. मैं कंपोनेंट्स नहीं कर रहा हूँ वेलोसिटी के. ओके, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स नहीं कर रहा हूँ. करोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्टेंट तो वही रहेगा, ये एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट. तो फिर भी तो वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ना. ओके, और इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स नेगेटिव जी. तो वेलोसिटी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग दिस लाइन, मतलब ऐसा है, और ग्रेविटी नीचे है तो ये इन लाइन भी नहीं है. तो ऐसे केसेस में जो मोशन होता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज नॉट इन लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी, दिस काइंड ऑफ पैरामीटर्स लीड टू अ पैराबोलिक मोशन. राइट, सो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड initial velocity is not in line with acceleration, is not in line with acceleration, then the motion, the resultant motion is parabolic. The resultant motion is parabolic. An example we already know, projectile motion. Right? So, बाकी के जो combinations होंगे U bar और A bar के combination, मतलब directions के combination, they will lead to complicated motion. For example, I can have complicated motions. I can have like this. ऐसा एक object जा रहा है. So you can have such motion. You can have another type of motion also, kind of a sine wave. ये भी हो सकता है. Okay, right. So that we will not be discussing. So one point that
came out of your feedback. I should be discussing summary in at the end of the session. So basically, आज हमने ज़्यादा cover नहीं किया है because I wanted to give you a slow start to a new chapter. Basics पक्के करने के लिए laws of motion है तो motion की पढ़ाई करनी है. So we will be talking about motion here. When you say laws of motion, that means the motion is controlled by some principles of physics. जैसे न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठा तो एप्पल नीचे ही आके उसके सर पे गिरा, राइट? दैट बिकेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, राइट. सो देर आर सर्टन रूल्स बाय विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंट्रोल्ड और गवर्न्ड. तो हमको वो देखना है इस चैप्टर में. बट बिफोर वी गो इनटू लॉज ऑफ मोशन, वी मस्ट नो दैट व्हेनेवर वी आर स्टडिंग मोशन, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स. उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया. एक तो स्टैटिक्स है, फिर आप बोलोगे स्टैटिक्स मैकेनिक्स कहाँ से आ गया. स्टैटिक तो स्टैटिक्स है, इट इज नॉट मूविंग, बट एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे हम लोग बस में जा रहे हैं, मैं बस में बैठा हूँ, कोई और भी बस में बैठा है, तो हम दोनों के लिए वी आर नॉट मूविंग, वी आर नॉट इन मोशन, वी आर स्टैटिक. बट समवन लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वर, वी आर इन मोशन. So, state of rest is also, can also, may also be a state of motion depending on the frame of reference, right? So, mechanics का एक branch statics है, where you talk about object being at rest in a particular frame of reference. कौन देख रहा है उसके ऊपर depend करेगा, कौन observe कर रहा है उसके ऊपर depend करेगा. Then मैं एक best example देता हूँ आपको. बेस्ट एग्जाम्पल, अभी आप बैठे हो आपके घर में, लुकिंग एट योर फोन्स, यू आर एट रेस्ट. नो, दैट इज नॉट ट्रू. इट इज ट्रू व्हेन यू से आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. यस, दैट इज ट्रू. आर यू एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम, मोर ऑर लेस बैरी सेंटर बोलते हैं, सन, विद रिस्पेक्ट टू सन बेसिकली. नो, यू आर मूविंग. आर यू एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर गैलेक्सी, मिल्की वे? नो, यू आर मूविंग. So that's why it is important to define frame of reference when you talk about motion. Dusra branch, kinetics. Kinetics deals with motion. Uske do branches, kinematics. When you talk about motion in general without considering the cause, motion kyun hua, I don't care, motion hai. Mujhe nahi pata motion kyun hua. Motion hai to velocity hai, displacement hai, acceleration hai, main uski baat karunga. दूसरा डायनामिक्स, वेयर यू स्टडी मोशन अलॉन्ग विद इट्स कॉज. कॉज जैसे गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है? हाँ, तो इंजन जो नेसेसरी पावर है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हॉर्स पावर में ये करते हैं. फिर इंजन को पावर किसने प्रोवाइड किया? तो वहां पे टॉर्क है, पिस्टन है. टॉर्क, टॉर्क मतलब रोटेशन, राइट? तो डायनामिक्स मतलब इफ समथिंग इज मूविंग, वॉट इज द कॉज ऑफ मोशन. That goes into dynamics. तो उसमें हम बात करेंगे मोमेंटम की, उसमें हम बात करेंगे टॉर्क की, फोर्स की, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? दिस इज वॉट वी हैव जस्ट पुट डाउन हियर. When you talk about motion in general, in real life, तो I see a lot of motions in front of my eye. घर के बाहर खड़ा हूँ, someone is moving in a straight line, linear motion. ओके, तो मान लेता हूँ कि कोई गाड़ी के ऊपर बैठा है, गाड़ी नहीं चला रहा, जस्ट बैठा हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो. अब उसने किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया तो वो स्ट्रेट लाइन में जाने वाला है ना, राइट? इनिशियली इफ दैट पर्टिकुलर राइडर गिव्स एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, द पर्सन इज गोइंग टू मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा एग्जाम्पल, सो इस केस में एक्सेलरेशन विल कॉज लीनियर मोशन. ऐसा भी तो हो सकता है कि द राइडर इज कीपिंग और लाइक स्पीड बढ़ाते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है,
या फिर वेलोसिटी कम करते जा रहा है। तो इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन या तो सेम है या तो अपोजिट है। जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सच मोशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन सर्कुलर मोशन। पैराबोलिक मोशन में इस केस में एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी इनलाइन नहीं है, फिर परपेंडिकुलर है कि नहीं वी कैनॉट से एट दिस मोमेंट। जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सीलरेशन को परपेंडिकुलर हो गया, ये हो सकता है, होगा या नहीं वो हम देखेंगे बाद में एज एंड व्हेन नीडेड, राइट।